भारत में ज्यादातर सभी छोटे बड़े स्कूल और कॉलेजों में चौक का इस्तेमाल होता है, जो दोस्तों सालों से होता आ रहा है। चौक को वैसे हिंदी में खड़िया भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल स्कूल कॉलेजों के अलावा सरकारी गैर सरकारी निजी संस्थानों और शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है और इसलिए इसका बिजनेस साल के 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, जिसे आप अपने घर या फिर गांव या शहर में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाकर इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग समझ गए हो, आज हम दोस्तों बात करने वाले ब्लैक बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाले चौक के बिजनेस के बारे में, जिसे आप दोस्तों कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट करने के लिए आपके पास में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस होने चाहिए, कहां आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हो, रोड में आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी, कौन सी आपको मशीनें खरीदनी है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजों का खास ध्यान देना होगा, ऐसे दोस्तों कई सारे जरूरी पॉइंटों के ऊपर दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आज हम ऐसे 7 पॉइंटों पर बात करने वाले हैं, जी समझकर आप आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल में, हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेटे, वो वन चौक बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इसकी मार्केटिंग रिसर्च करें तो देखिए दोस्तों, वैसे तो चौक बनाने का बिजनेस शहर गांव सभी जगह चलता है, लेकिन आज के समय में कई निजी स्कूल कॉलेज में ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें लिखने के लिए ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल होता है, चौक का नहीं। इसलिए आप जहां बिजनेस शुरू कर रहे हो उस एरिया में इसकी डिमांड क्या है, पहले से कोई वहां इस काम को तो नहीं कर रहा, क्या वहां बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, ये सभी चीजों पे आपको दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करके इस बिजनेस को वहां पर शुरू करना है, क्योंकि वहां पर इसका इस्तेमाल ही नहीं है तो वहां शुरू करके आपको इस बिजनेस के अंदर नुकसान ही होगा। इसलिए दोस्तों मार्केट रिसर्च करने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 2, जब दोस्तों आप मार्केट रिसर्च कर ले तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जरूरत होती है चौक बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही जगह की जरूरत। तो देखिए दोस्तों, चौक बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जगह उस एरिया में लेनी होगी जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस खुले हों और डिमांड हो, क्योंकि इन एरिया में चौक की बहुत मांग रहती है। या फिर आप अपना बिजनेस ऐसी जगह पर शुरू करें जो शहर के नजदीक हो, ताकि आपको कच्चा माल लाने और सप्लाई करने में दिक्कत ना आए, जिसे आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप बाहर ही करना चाहते हो तो आपको इसमें 150 से 200 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी, जिसमें मशीन लगाने के लिए जगह, बिजली पानी का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माल तैयार करने के बाद उसको सुखाने की भी जरूरत होगी, इसलिए आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जगह लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3, चौक बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल मशीनों की जरूरत। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आप इस बिजनेस को मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ बर्तनों की जरूरत होगी। और अगर आप दोस्तों इसको बाहर स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें आपको सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपको मार्केट में 12 से 15 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाएगा, इसके अलावा केरोसिन 40 रुपए लीटर, व्हाइट सीमेंट, कलर, पानी, क्ले, लुब्रिकेट, पिगमेंट, वही मशीनों में आपको जिप्सम रोस्टर, ग्राइंडर मशीन, स्क्रीनिंग, मिक्सिंग टैंक और चौक फ्रेम और पेंट ब्रश, हाथ के दस्ताने, ये सभी चीज आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। वन आप ट्रेड इंडिया फिर इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से आसानी से खरीद सकते हो। चौक बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस, तो देखिए दोस्तों, चौक बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत होती है, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके, जिसमें आपको सबसे पहले MSME रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, NOC सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट अगर आपकी जगह रेंट पर है तो, और बिजनेस अकाउंट। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपको बनवाने होंगे। पॉइंट नंबर 5, चौक बनाने और उसकी पैकेजिंग के लिए स्टाफ की जरूरत। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो चौक कई प्रकार की होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड के लिए सफेद चौक, फर्नीचर के लिए चौक और सिलाई के लिए चौक, जिन्हें अलग अलग तरह की शेप दी जाती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल को अच्छी तरह से मशीनें मिलाकर जरूरत के हिसाब से पानी मिला दिया जाता है और फिर इसे एक बार कर लिया जाता है। फिर जब ये सब मिक्सिंग हो जाए, उन्हें सांचों में कुछ लुब्रिकेट जैसे कि केरोसिन तेल या फिर मूंगफली के तेल को लगाया जाता है, ताकि मटेरियल सांचों में चिपके नहीं। उसके बाद इन सांचों को फ्रेम में सेट करके उन्हें सुखाया जाता है, फिर तैयार करके उन्हें चेक करके पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आपको 2 से 3 कुशल स्टाफ की जरूरत होगी, जो माल बनाकर उसकी डिमांडिंग के अकॉर्डिंग पैकेजिंग साइज बनाकर उनको आपको दे सके। बाकी दोस्तों, मार्केट में माल सप्लाई होने से पहले एक बार उसे खुद भी आप चेक कर लें, पैकिंग सही से हुई है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 6, चौक तैयार होने के बाद इसे कैसे और कहां सेल करें। तो देखिए दोस्तों, चौक तैयार होने के बाद आपको उसको बेचने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि चौक का इस्तेमाल ज्यादातर स्कूल कॉलेज ट्रेडिंग संस्थानों, टेलरिंग की दुकानों के साथ साथ स्टेशनरी की दुकानों पर भी खूब बेची जाती है। हालांकि दोस्तों, आज के समय में कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें चौक की जगह पर मार्कर का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं जहां ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप वहां जाकर अधिकारियों से बात करके माल सप्लाई कर सकते हो, आसपास की टेलर शॉप, स्टेशनरी की दुकान और होलसेलर को डायरेक्ट सेल कर सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग करके भी सेल बढ़ा सकते हो, जिसमें एरिया भर में पैम्पलेट, पोस्टर, न्यूज़पेपर में ऐड देकर और कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चौक बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, और ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, चौक बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी लागत कितनी आएगी और कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैनुअली 50,000 रुपए से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मशीन और जगह लेकर शुरू करते हो तो इसमें आपको रॉ मटेरियल, स्टाफ की सैलरी, मशीन रेंट,
सभी खर्चे मिलाकर अराउंड आपको 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जो कि दोस्तों बढ़ भी सकते हैं। इसमें मुनाफा कितना होगा तो देखिए दोस्तों, 1 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस से लगभग 400 से 500 चौक बनाई जाती है, जो मार्केट में पीओपी लगभग 12 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप इसमें 50 से 60% तक का मार्जिन निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है आपकी सेल कैसी है, कितना लोग आपकी क्वालिटी को पसंद कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप चौक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के बड़े ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा।